नमस्कार मित्रों, आज हम लेके आए हैं 3 पेंट टॉप में डेकोरेशन लाइट कैसे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। ये 3 पेंट टॉप में हम लाइट डेकोरेशन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको 3 पेंट टॉप चाहिए और कुछ LED, जो हमने 3 LED ली है। इसके अलावा एक 50K का रजिस्टर लिया है जो 1 वोल्ट का है, और एक कैपेसिटर है जो 100 वोल्ट 100 माइक्रोफेरेड का है, और एक डायोड है जो 4007 नंबर का है। तो काफ़ी आसानी से आप लाइट डेकोरेशन बना सकते हो, घर पर भी बना सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले हमको 3 पेंट टॉप है उसको ओपन कर लिया है हमने, ऑलरेडी ओपन करके ही रखा है। और इसमें हमको क्या करना पड़ेगा तो मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप, पूरा वीडियो देखें। सबसे पहले हम इसमें तीन फाइव पेंट टॉप में तीन होल कर लेंगे, जिससे कि हमारी जो LED है वो आसानी से इसमें लग जाए। याद रखें मित्रों कि जो LED है उसके उसी के माप होल के हिसाब से ही कीजिए, वरना आपका LED है वो बाहर निकल जाएगा ज़्यादा लंबा होने के कारण। तो LED में कनेक्शन करने के लिए हमने जो निशान आपको दिखाया है, इस तरह से जो बड़ा वाला पॉइंट LED में है, LED में होता है, उसमें माइनस, और छोटा वाला है उसमें पॉजिटिव। तो इस तरह से तीनों LED हम फिटिंग कर लेंगे। फिट करने के बाद तो हमारा तीनों LED लैंप है वो हमने इसमें फिट कर दिए करके कर दिया है। और इसके अलावा आगे आपको इसके जो हमने कनेक्शन किए हैं वो पैरेलल में किए हैं, ताकि आप गलती ना कर बैठे। अच्छी तरह से आप वीडियो पूरा देखें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और इसका पैरेलल कनेक्शन करने के तीनों LED को हम पैरेलल में सोल्डिंग कर देंगे। सोल्डिंग करने के बाद आपको मैं उसमें क्या क्या सावधानी रखनी है उसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। तो इस तरह से आसानी से हम इसमें सोल्डिंग करने के बाद तीनों LED को पैरेलल में कनेक्शन करना है। और इसके बाद हम इसको कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करेंगे, ताकि जो हमारा DC वोल्ट है वो अच्छी तरह से फिल्टर भी हो सके। कैपेसिटर का काम DC जो पावर फिल्टर का होता है वो आप सब जानते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि माइनस वाला जो निशान है उसको हमारी जो LED है उसके माइनस नेगेटिव पॉइंट में लगाना है। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुछ आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और मैं आपका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। तो हमारा कैपेसिटर है वो हमने इसका कनेक्शन कर लिया है, सॉरी अभी ये हिल गया है, और इसका वापस अच्छी तरह से हमको कनेक्शन करना है, ताकि जो हमारा लैंप है वो अच्छी तरह से वर्क कर सके। और इसके अलावा इसमें हम एक डायोड कनेक्शन करेंगे। डायोड में सिल्वर साइड सिल्वर पट्टी है, उसको हम LED के जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो रजिस्टर है वो LED के नेगेटिव में कनेक्ट करेंगे। और इस तरह से हमारा कनेक्शन कर लिया है। और अब हम 3 पिन टॉप के जो टर्मिनल होते हैं हम कनेक्शन के करने के लिए, उसको हम काटना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि जो हमारा कैपेसिटर है वो इसमें अच्छी तरह से फिट नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं, जो पकड़ की मदद से इसको ओपन करेंगे, ताकि हमें इसमें अच्छी तरह सोल्डिंग करके उसको फिक्स कर सकें। कैसे करना है वो आप देखते जाओ कि आप कैसे कर सकते हो। तो हमारा जो टर्मिनल है उसको बीच में से काटना पड़ेगा, ताकि जो हमारा जो 3 पिन टॉप का टर्मिनल है वो और उसकी साइज़ है वो कम पड़ जाए, और अच्छी तरह से हम इसमें हमारा जो कैपेसिटर है उसकी ये जो जगह है वो आसानी से फिट हो सके। तो इस तरह से हमने दोनों LED को दोनों टर्मिनल के साथ, अब जो हमारा तीसरा टर्मिनल है उसको भी हमको ऐसे ही निकालना पड़ेगा, ताकि उसका भी कनेक्शन करते वक्त हमको जो LED है उसमें शॉर्ट सर्किट होने की जो संभावना होती है वो कम हो जाए। तो इसको भी इस तरह से हम कटिंग करेंगे, और इसको वापस लगा देंगे।
और दोस्तों आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबा के ऑल सिलेक्ट कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि दोस्तों जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले आप तक उसकी नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए घंटी का बटन दबा के ऑल सिलेक्ट कीजिए। तो दोस्तों हमारा जो कनेक्शन हमने कटिंग किया है टर्मिनल जो थ्री पिन टॉप का, उसके ऊपर हम सोल्डरिंग वायर लगा के सोल्डरिंग कर देंगे और उसको अच्छी तरह से सोल्डरिंग करना होगा ताकि जो हमारा एलईडी लैंप है, जो एलईडी डेकोरेशन लाइट है, उसको अच्छी तरह से हम 220 वोल्ट तक पर आसानी से चला सकें। तो हम इसको काट देंगे, ज़्यादा हमको वायर की ज़रूरत नहीं है इसलिए हम इसको काट लेंगे और इसके बाद हम इसका कनेक्शन, तो अब इसका कनेक्शन हम जो हमारा थ्री पिन टॉप में हमने एलईडी लगाई है उसमें हम कर देंगे ताकि जो कनेक्शन हमारा अधूरा है वो पूरा हो जाए। तो अच्छी तरह से हमको सोल्डरिंग करना है क्योंकि जो सोल्डरिंग है वो अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो हमका हमारा जो एलईडी है वो ख़राब हो सकता है। तो देख सकते हैं हमने इसका एलईडी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसमें दे दिया और अब डायोड के साथ इसको कनेक्ट, दूसरा कनेक्शन है उसको डायोड के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब हम इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको फिक्स कर देंगे और ये हमारा 220 वोल्ट का कनेक्ट करते हैं और आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरह से क्लोगर रहा है। तो आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।